उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला ने कहा कि यह देश की क्षति है। मुलायम सिंह यादव एक कार्यकर्ता से नेता बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और देश के रक्षा मंत्री बने। वह अपने कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से ध्यान रखते थे, उनकी हमेशा चिंता करते थे। अब के राजनीतिक नेताओं को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से वह जनता के हित के लिए कार्य करते थे, समाज के हित के लिए कार्य करते थे और वह खुले में जीने के आदी थे। यह देश की बहुत बड़ी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा विधानसभा और लोकसभा में मिलते थे और हमेशा सभी पक्ष और विपक्ष का सम्मान करते थे। उनका काम करने का तरीका बहुत अलग था। ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से सीख लेनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला ने कहा, यह अत्यंत पूर्ण क्षति है और मैं मन करके चलता हूँ कि मुलायम सिंह जी एक जमीनी कार्यकर्ता से फिर नेता बने, मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन को कभी अपने जेहन से भूलने नहीं दिया। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को भी वो ख्याल करते थे, उसकी हमेशा चिंता करते थे। तब और के राजनीति को आज जो लोग जा रहे हैं धीरे धीरे कर करके, नए नए लोग, नए विधायक हो रहे हैं, नए सांसद हो रहे हैं, उनको भी उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से वह जनता के हित के लिए कार्य करते थे, समाज के हित के लिए कार्य करते थे और व्यक्तिगत जीवन को भी वह खुले में जीने के आदी थे। आज वो नहीं है, अपूर्ण क्षति हुई है, जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता है, यह मैं मान करके चलता हूँ। मेरा तो हाँ ये सही है कि कई बार मुलाकात हुई थी, तब वो ये नहीं देखते थे मुख्यमंत्री रहते हुए कि ये विपक्ष के हैं, तब वो ये देखते थे कि एक विधायक है, तब वो ये देखते थे कि जब हम संसद में गए तो वो विपक्ष में थे, मैं राजनीति तो भी उन्होंने पीठ थपथपाया, तो उनका काम करने का और कराने का तरीका अलग अलग हुआ करता था और आशीर्वाद भी हम लोगों को देते थे। वह स्नेह और आशीर्वाद आज सभी लोगों को, जो लोग काम करने वाले हैं उनको देना चाहिए।